पीरा, पीरा में पहुंच गए हैं ये भाई लोग भी पहले से पहुंचे हुए हैं। बहुत बुरा हाल है यार ट्रकों का। थोड़ा लंच करेंगे फिर उसके बाद नॉन स्टॉप दिल्ली। बुरा हाल हो गया गर्मी से, गर्मी इधर उतरना पड़ेगा है। अभी आया तो गए, समय 2:20 हो गया है और हम पीरा में पहुंच गए हैं जहां राजमा चावल मिलते हैं, देसी 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 घी के भाई तू क्यों ऐसा बताना पड़ेगा ना सबको। और तू क्या खा रहा, दाल चावल? दाल चावल, दाल चावल, ये हमसे अलग ही खा रहा है, अलग ही चल चाल में है। हम कुछ कहीं जाएंगे ये उधर जाएगा। अरे कमर तोड़ दी, बड़ा बेकार रास्ता है बनियाल के बाद, बनियाल के बाद बहुत बेकार। और एक 100 cc मेरे को ओवरटेक के ऊपर भाग रहा, 100 cc वो जाके उसने मारी वो छोटे हाथी पे जाके थोड़ू। मैं क्या साले, मैं बोल ही रहा था इसमें, मैं कहा ये बड़ा तेज भाग रहा है कहीं ठुके हो, आगे जाके ठुके गया लेकिन बच गया, वो हल्का से गिरा है उठ के भाग गया साला पंजाब का। हमने राजमा चावल खा लिए और पी रहे हैं कॉफ़ी, थोड़ा एकदम अलर्टनेस आ जाएगी कॉफ़ी से, फिर चलेंगे अभी नॉन स्टॉप। ट्रकों ने ऐसी तैसी कर दी यार, इस रूट पर इतने ज़्यादा ट्रक हैं, पठानकोट तक तो बुरा हाल होने वाला है, उधमपुर पठानकोट पूरा ये ट्रकों से ही भरा मिलेगा हमें। निकलते हैं जल्दी, हो गर्मी बहुत लग रही है, पसीना आ गया है, जैकेट के सारे वेंट खोल दिए मैंने। यह बोले कि बम बम बोले, लगाइए बेड़ा पार आज, करिए थोड़ी हिम्मत। 2018 में भी यही हाल था, टूटा फूटा रोड, धूल भरा रोड रोड, और आज भी वही हाल है, पता नहीं क्या हो रहा है, इतना ढीला काम, इतना ढीला काम हो रहा है भाई साहब, वाट लग जाती है बाइकर की और सभी किसी भी व्हीकल की। और टनल से बाहर आ गए, आगे साली बस फंस गई थी जो चली नहीं रही थी, 35 40 40 40 40 अटक गया। अब इसने कम से कम 2 घंटे बचाए हैं हमारे इस टनल ने, नहीं तो पटनी टॉप के पहले ऊपर जाना पड़ता था फिर ऊपर से नीचे आना पड़ता था, 1 घंटा ऊपर जाने का 1 घंटा नीचे आने का। ये देख लो जी, पिछले 5-6 किलोमीटर से ये पूरा जाम लगा हुआ है उधमपुर टनल निकलते ही, और अभी कंटिन्यू है, बहुत लंबा जमा, 5-6 किलोमीटर हो गए। मैं तो बाइक थी इसलिए मैं निकाला है, नहीं तो करके बहुत तगड़ा जाम लग गया। अब एक ब्रिज के ऊपर दोनों इकट्ठा जाम लगा हुआ है, ये देखो ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक, पता नहीं कितने पूरे इंडिया के ट्रक एक ही जगह आ गए, बाप रे। तो ये उधमपुर सिटी में पहुंच गए हैं, और उधमपुर से पहले या जो बुरा हाल है रोड का, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और बनिहाल से उधमपुर के बीच का रास्ता इतना गंदा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत बुरा हाल है। 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ यही हाल है। दिल्ली 637 किलोमीटर, 637 किलोमीटर है दिल्ली, चलो दिल्ली। ये उधमपुर से एक शॉर्टकट निकाला गूगल भाई ने, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। ये देखिए
बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है वैसे, लेकिन बहुत कंजेस्टेड है, वन वे लग रहा है ये तो। तो अभी हमने एक लिया था छोटा सा ब्रेक और पेट्रोल फिल करवा लिया है, पूरा टैंक फुल हो गया है और चाय भी पी ली है और समय हुआ है 6:27 और अभी तक हम हाईवे पे नहीं पहुंचे हैं, पहले कट जाता जम्मू में नहीं जाता जो। तो अभी ये है उधमपुर रोड, तो 22 किलोमीटर अभी इसी रोड पे रहना है हमें, उसके बाद हाईवे पे हम मिलेंगे। वेलकम टू लखनपुर। तो लखनपुर पहुंच गए हैं और लखनपुर क्रॉस करते ही हम पंजाब में एंटर कर जाएंगे पठानकोट वाले रूट पे, और जम्मू जे एंड के को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, बाय बाय कर देंगे जे एंड के को। तो भाई लोग सुबह 10:30 चले थे हम और 7:30 बज चुके हैं, कंटिन्यू बाइक राइड हो करते हुए बस, और रोड गंदी ना मिलती तो, और एक टनल खुली होती तो हम 1-2 घंटे और आगे होते हम। लखनपुर बॉर्डर पे कई बार आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे जब अमरनाथ यात्रा पे जाता था तब यहाँ पे मैं गाड़ी आती थी हमारी, यहाँ गाड़ी खड़ी करते थे हम। 8:15 बज चुके हैं और हम हैं जालंधर से 100 किलोमीटर पहले, और छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि कंटिन्यू राइड कर रहे थे जहाँ से हमने पेट्रोल फिल कराया, और लगभग 100 किलोमीटर आ गए उसके बाद। अब हम जा रहे हैं दिल्ली को, या देखते हैं बॉडी जवाब दे जाएगी तो हम कहीं द्राहा, मेरा फ्रेंड है वहाँ रुक जाएंगे, नहीं तो फिर हम सीधा जाते हैं। तो अब चलते हैं, लेट्स राइड। अभी देखते हैं यार, 2 घंटे कंटिन्यू राइड करते हैं और लुधियाना को पहुँचते हैं, देखते हैं। तो अपना ब्रेक होता है ख़त्म, राइड शुरू होती है, और 8:22 हो गए हैं, 8:10 पे हमने लिया था एक ब्रेक और अब 8:22 हो गए हैं। 12-15 मिनट का ब्रेक बहुत होता है। अब चलते हैं, अभी जालंधर यहाँ से 100 किलोमीटर है नियर बाय, और रात की राइड बारी ख़तरनाक है क्योंकि अभी कोई भी कट से निकल जाता है ना, वो सबसे दिक्कत है। चलो मिलते हैं आगे। अब बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे, लगभग 70 किलोमीटर पहले जालंधर से। अब मैं कैमरे को पैक कर रहा हूँ वरना दिक्कत हो जाती है, एडाप्टर लगाने की वजह से ना एक्सपोज हो जाता है पानी में। तो अभी बूंदाबांदी आगे तेज ना हो जाए इसलिए रेनकोट भी पहन लेता हूँ, और साथ में ये कैमरा कुमरा भी पैक कर देता हूँ। हम हैं अभी लुधियाना में, लुधियाना से 20 किलोमीटर आगे द्राहा पंजाबी रेस्टोरेंट है वहाँ पे हैं, और मैं 11 बजे यहाँ क्रैक पहुँच गया था, लेकिन अपना जो क्या नाम था उसका नाम भी बोल जाता हूँ इसका नहीं दूसरा नाम जोगिंदर, तो अपना जोगिंदर भाई ने आज फिर एक कांड कर दिया है। हमने अपना पठानकोट से आगे कट आता है जो अपना लुधियाना को जाता है, लेकिन वो भाई निकल गया अमृतसर वाले सीधे रूट पे, और अमृतसर से फिर लुधियाना आ रहा है भाई, तो सोच लो 2 घंटे का डिफरेंस डाल दिए। अब हम वेट कर रहे हैं, 1 घंटा तो कंटिन्यू हो गया वेट करते हुए, अभी 1 घंटा और, अगर हम कंटिन्यू चलते तो हम 3 बजे दिल्ली पहुंच जाते। मेरा ड्रीम था कि मैं श्रीनगर से दिल्ली पहुंच जाऊं, लेकिन लगता है कि आज यहीं स्टे करना पड़ेगा रात को लुधियाना में, फिर सुबह सुबह निकलेंगे जल्दी ठंडे ठंडे में, क्योंकि धूप हो जाएगी तो बस वाट लग जाएगी। फिर मैं अपने दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ यार, ये हमारा फार्मेसी फ्रेंड है मेरा, मोर देन 30 ईयर 30 साल से ऊपर हो गया हुआ है, 93 93 30 साल हो गए ना,
तो भाई हम मिलते रहते, बातचीत होती रहती है। अभी मैंने फ़ोन किया तो फटाफट भाई आया, कह रहा नहीं आपने घर पे रुकना है। तो अभी वो आएगा भाई हमारा जोगिंदर, उससे बात करेंगे, अगर वो चलने को राजी हुआ तो चल पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ रुक जाएंगे। मैं समझा नहीं कि अमृतसर उसी रास्ते में पड़ेगा, समझा तो अपने आप ही समझा। मैं फिर इसी चक्कर में अमृतसर वाले रास्ते में घुस गया, अब आगे जाके वो बुलेट वाले लड़के मिल गए। तो मैंने उनसे पूछी कि भैया ऐसे ऐसे, तो क्या लगे भैया गलत आ गए तुम, हमें तो अमृतसर जाना है और तुम आ गए गलत, या तो वापसी जाना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसे ही हमारे साथ चलो आगे, आगे से फ्लाई ओवर आ जाएगा, उसी के साथ साथ हो लेना जलंधर लुधियाना, जलंधर पवाड़ा लुधियाना। फिर मैंने आपको कॉल करी, फिर आपने बताया मेरे को एग्जिट कहाँ है। मैं 11 बजे करेक्ट पहुँच गया था, और जिससे भी बात कराई थी वो बंदा यहीं रहता है, तो बंदे ने अभी 1 बज रहा है और 3 बजे मैं घर होता। हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी 3 बजे, हाँ फिर कुछ पक्का 3 बजे का तो दिखाई देता है। चले तो गुड मॉर्निंग गाइज, मैं अभी हूँ दोराहा लुधियाना के पास, और रात को हमें सोते सोते 1:30 या 2 बज गए थे, और अभी समय हुआ है 6 बज गए हैं, और 5:30 उठ गए थे। अब सीधा निकल रहे हैं दिल्ली को, और हमें 2-3 घंटे का हमें ब्रेक मिल गया है, और नींद भी आधी हो गई है, आधी घर जाके हो जाएगी। तो अब हम जा रहे हैं दिल्ली को, और नॉन स्टॉप दिल्ली जाएंगे, और फिर हमारा यहाँ जो एक्सट्रीम जज का हमारी एपिसोड है वो पूरे हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपको बाइक पे। एक्सट्रीम राइड आज कंप्लीट होती है, और अब कंप्लीट होती है, पूरे 10 बज चुके हैं दोपहर के, सुबह के पूरे 10 बज चुके हैं, और हम अपने घर पहुंच गए हैं।